नमस्कार दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज को टीवी और अखबारों में पान मसाला और शराब की ऐड करते हुए, लेकिन जब इन एड्स को आप थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो आपको दिखता है कि एक्चुअली में शराब या पान मसाले की एड्स नहीं है, बल्कि इलायची, माउथ फ्रेशनर और सोडा वाटर की एड्स हैं। इस चीज को कहा जाता है सरोगेट एडवर्टाइजमेंट, और आज के वीडियो में आइए इस सरोगेट माफिया को गहराई से समझते हैं। It's your life. Make it lunch. Kamla Pasand. Anokha Swad. This is the new Kranti I want to start. It's called Matan Giri. Cheers. सिगरेट की तरह गुटखा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें टोबैको होता है और लोग इसे चबा कर खाते हैं। ढेरों ऐसे रिसर्च पेपर्स हैं जिसमें प्रूफ किया गया है कि गुटखा खाने से माउथ कैंसर का रिस्क बढ़ता है। यही रीजन है कि कई सालों से गुटखा की सेल एक्चुअली में बैंड है ज्यादातर इंडियन स्टेट्स में। अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन सेल्स रेगुलेशंस 2011 सरकार ने गुटखा और पान मसालों को बैन कर दिया, जिसमें टोबैको और निकोटीन होता है। इन्हें सेल नहीं किया जा सकता। लेकिन जब यह बैन लागू किया गया तो इन कंपनीज ने एक लूपहोल ढूंढ लिया। इन्होंने कहा, ठीक है, हमने अपने प्रोडक्ट से टोबैको निकाल दिया है, हम अपने पैकेट में अब टोबैको फ्री पान मसाला बेच रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ इन्होंने अलग से पैकेट में खाली टोबैको भी बेचना शुरू कर दिया। तो अब एक की जगह दो सैचेट्स बेचने शुरू करे, एक में टोबैको फ्री पान मसाला है, दूसरे में सिर्फ टोबैको है। तो जो खरीदने वाले लोग हैं वो दोनों पैकेट को साथ में खरीद के, दोनों पैकेट को खोल के मिक्स करके खा सके। वही सेम चीज हो गई। इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि इनके टोबैको फ्री पान मसाला में भी सुपारी थी, जो कि खुद एक पोटेंशियल कैंसर कॉजिंग एजेंट है। लेकिन ये जो लूपहोल था, ये इस रेगुलेशन के सेक्शन 2.3.4 में था। यहां पे वर्डिंग ऐसे करी गई थी कि किसी भी खाने में, किसी भी फूड में टोबैको ऐड करना अब से प्रोहिबिटेड है। तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, हमने अपने खाने में टोबैको ऐड नहीं किया, हम अलग से टोबैको को बेचने लग रहे हैं, और यहां ये लूपहोल निकल आया। ये तो चलो एक चीज हुई, इसके अलावा इन कंपनीज ने सीधा सीधा अपने कस्टमर से झूठ भी बोला है। अगस्त 2019 में 12 पान मसाला के ब्रांड्स को बिहार में एनालाइज किया गया था। स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने नेशनल टोबैको टेस्टिंग लेबोरेटरीज में इनके सैंपल्स को भेजा था। इन 12 में से 7 सैंपल्स निकोटीन पॉजिटिव पाए गए। इन 7 ब्रांड्स में कमला पसंद, रजनीगंधा, राजश्री जैसे ब्रांड्स भी इंक्लूडेड थे। अपने पैकेट पर इन कंपनीज ने लिख रखा था कि हमारे पान मसाला में निकोटीन नहीं है, ये निकोटीन फ्री है, लेकिन एक्चुअली में इनके सैंपल्स में निकोटीन पाया गया। इसके अलावा 12 के 12 पान मसाला ब्रांड्स हार्मफुल केमिकल मैग्नीशियम कार्बोनेट का भी इस्तेमाल कर रहे थे। तो इतनी सारी हेरा फेरी तो इनके प्रोडक्ट्स में ही है। लेकिन अब बात करते हैं कि ये कंपनीज एडवर्टाइजमेंट्स के द्वारा किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाती हैं। अब बात यह है दोस्तों कि पहले क्या होता था, टोबैको की एड्स लीगल होती थी इंडिया में, टोबैको को फ्रीली एडवर्टाइज किया जा सकता था। आपको याद होगा पहले, काफी पहले एड हुआ करती थी अक्षय कुमार की, हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है, यहां पे स्मोकिंग प्रमोट कर रहे थे। वो बात और है कि थैंकफुली आज के दिन अक्षय कुमार एंटी स्मोकिंग एड्स बनाते हैं, स्मोकिंग के अगेंस्ट एड्स बनाते हैं, जो आप सिनेमा हॉल्स में देखते हैं। तो एक्चुअली में इन टोबैको प्रोडक्ट्स की एड्स को बैन करना मई 2003 में किया गया था, अंडर COTPA 2003, द सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 2003। ये बदलाव सिर्फ इंडिया में नहीं आया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने WHO FCTC ट्रीटी को भी अडॉप्ट किया था मई 2003 में ही, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। इस ट्रीटी का एम था कि दुनिया भर में टोबैको के यूज को डिस्करेज किया जाए, और 181 कंट्रीज ने इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया था। लेकिन यहां पर कंपनीज ने लूप होल ढूंढा सरोगेट एडवर्टाइजिंग के द्वारा। आमतौर पे होता क्या है दोस्तों, जब एक पेरेंट कंपनी होती है, अलग अलग प्रोडक्ट्स को जब वो लॉन्च करती है, वो अलग अलग ब्रांड नेम्स के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, उनकी टैगलाइन अलग होती है, उनका लोगो अलग होता है। फॉर एग्जांपल, क्या आप जानते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड सेम कंपनी है जो कॉर्नेटो आइसक्रीम को बनाती है और हॉर्लिक्स पाउडर को भी बनाती है। इतना ही नहीं, हॉर्लिक्स और बूस्ट दोनों सेम कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन सेम कंपनी को बिलोंग करते हैं, यही हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, लेकिन ब्रांड नेम्स अलग हैं इनके। अब ये पान मसाला गुटखा वाली कंपनीज क्या करती हैं, ये बिल्कुल इसका उल्टा करती हैं। ये अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स को सेम ब्रांड नेम, सेम टैगलाइन, सेम लोगो और सिमिलर से सैचेट में बेचती हैं। ये अपने नॉन टोबैको प्रोडक्ट को सेम नाम, सेम टैगलाइन, सेम लोगो के साथ बेचेंगी, तो एक ब्रांड रिकॉल लोगों के दिमाग में आएगा। इसी चीज को सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक्चुअली में टोबैको वाले पान मसाला की एड है, इलायची की एड है, माउथ फ्रेशनर की एड, लेकिन ये जान पूछ के किया जा रहा है।
ये चाहते हैं कि लोग कंफ्यूज हो, क्योंकि एक्चुअली मैं अपने पान मसाला की ऐड करना चाह रहे हैं और वहां छोटे छोटे लेटर्स में दिखाना चाह रहे हैं कि ये नहीं, ये तो इलायची की ऐड है। इसी चीज को सरोगेट एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। ये कमला पसंद की ऐड को देखिए, जिसमें अखबार के फ्रंट पेज पर अमिताभ बच्चन और रणवीर सिंह इसकी ऐड करने लग रहे हैं। अगर आप केयरफुली देखेंगे तो बहुत ही छोटे छोटे लेटर्स में यहां पर लिखा गया है कि एक्चुअली में सिल्वर कोटेड इलायची की ऐड है। इस न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट के अलावा इनकी एक 20 सेकंड की वीडियो ऐड भी है कि डैडी को पसंद है क्लासिकल गाना, लेकिन बेटा यमला पगला दीवाना, दोनों के अलग है रंग पर दोनों को एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद। इस एड में ये सैचिट लेकर खड़े हैं कमला पसंद का अपने मुंह के पास और खाते हुए दिखा रहे हैं। एड में ये भी नहीं बताया जा रहा कि एक्चुअली में खा क्या रहे हैं, लेकिन बहुत छोटा छोटा फिर से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है कि एक्चुअली में सिल्वर कोटेड इलायची खाने लग रहे हैं कमला पसंद की, जिसका सैचेट बिल्कुल पान मसाला जैसा ही दिखता है, जिसमें टोबैको होता है। सिमिलरली आप एड देखेंगे विमल की, जिसमें शाहरुख खान और अजय देवगन है। इस एड में भी कहीं कहा नहीं जाता कि ये इलायची है, लेकिन एंड में कुछ सेकंड के लिए दिखा देंगे कि हमारे सैचेट पर ये देखो इलायची लिखा था छोटा छोटा। सिमिलर तरीके से अल्कोहल ब्रांड्स सरोगेट एडवर्टाइजमेंट करते हैं बॉटल्ड वाटर की और सोडा की, इनफैक्ट म्यूजिक सीडीज की भी। आज के दिन कौन म्यूजिक को सुनता है सीडीज से। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमारी सरकार को पता नहीं है यहां पर होने क्या लग रहा है। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI ने एडवर्टाइजिंग रेगुलेशंस भी बनाई हैं सरोगेट एडवर्टाइजमेंट्स को लेकर, यानी सरोगेट एड्स को लेकर लॉज एग्जिस्ट करते हैं। ये लॉज कहते हैं कि प्रोडक्ट एक्सटेंशन जो है वो जेन्युइन होना चाहिए। मतलब अगर आप इलायची बेच रहे हो, बॉटल्ड वाटर या सोडा बेच रहे हो, तो इस ब्रांड को वही प्रोडक्ट दिखाना है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। ये नहीं कह सकते कि हम इलायची बेच रहे हैं और एक्चुअली में कोई इलायची एग्जिस्ट नहीं करती, किसी दुकान पर नहीं मिलती। प्रोडक्ट होना जरूरी है और रूल्स के हिसाब से नेट सेल्स टर्नओवर इस प्रोडक्ट से कम 20 लाख पर महीना होना चाहिए एट द टाइम ऑफ लॉन्च, या फिर इसके अलावा कंपनी शो कर सकती है कि उन्होंने कोई एसेट इन्वेस्टमेंट्स करी है इस प्रोडक्ट के लिए, जैसे कि जमीन खरीदी या फैक्ट्री बनाई या मशीनें या सॉफ्टवेयर, जो सिर्फ इसी प्रोडक्ट के लिए एक्सक्लूसिव है, जिसकी वैल्यू एटलीस्ट 10 करोड़ रुपए होनी चाहिए। अगला रूल ये कहता है कि इस प्रोडक्ट एक्सटेंशन को सरकारी अथॉरिटी के द्वारा रजिस्टर कराया जाना चाहिए, GST, FSSAI या फिर FDA, और इसे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ऑडिटेड भी किया जाना चाहिए। और ये भी कहा गया है कि कोई भी सरोगेट एडवर्टाइजमेंट जो बैंड प्रोडक्ट है उसकी तरफ हिंट नहीं कर सकती, इशारा नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान की जो रॉयल स्टैग की एड थी, उसमें वो कहते हैं स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ। अब ये विस्की की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर, बल्कि म्यूजिक सीडीज की बात कर रहे हैं, ये बिलीवेबल नहीं लगता। इसी रीजन से दोस्तों ASCI ने 12 एडवर्टाइजमेंट्स को इस साल के शुरू में जनवरी में बैन भी किया था, जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी और पता चला कि एक्चुअली में ऐसी एड्स करने लग रहे हैं जो अपने बैंड प्रोडक्ट्स की तरफ हिंट दे रही हैं, इशारा करने लग रही हैं। ये एड्स पिछले IPL के दौरान चलाई गई थी और रॉयल स्टैग, स्टर्लिंग रिजर्व, ब्लेंडर्स प्राइड जैसी कंपनीज इसमें शामिल थी। जजमेंट ये दी गई कि इन एड्स को सूटेबल मॉडिफिकेशन करने के बाद फिर से चलाया जा सकता है। तो आप सोच सकते हो कि इन कंपनीज के पर्सपेक्टिव से काम कितना आसान है। बैन हो गई एड, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस करने के बाद ये एड्स फिर से पब्लिश कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स जो कंपनी पान पराग को मैन्युफैक्चर करती है, इनका एनुअल सेल्स टर्नओवर साल 2020 के लिए था 4,100 करोड़। तो इमेजिन कर सकते हो आप, ये कंपनीज हजारों करोड़ में पैसे कमाने लग रही हैं, इनके लिए 20 लाख पर महीने की सेल दिखाना, यानी 2.4 करोड़ रुपीस पर ईयर की सेल दिखाना कितना मुश्किल हो सकता है। ये जो लॉज हैं ये बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग लॉज नहीं है। ऐसे ही कितना मुश्किल हो सकता है इनके लिए एक एड को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दोबारा से दिखाना। नेग्लिजिबल इंपैक्ट पड़ रहा है एग्जिस्टिंग लॉज का इन एड्स पर। अगर कोई कंपनी इन सारे रूल्स को फॉलो भी करने लग रही है, मान लो कमला पसंद, विमल और रजनीगंधा का एक्चुअली में एक सिल्वर कोटेड इलायची का बिजनेस है जो मिनिमम सेल्स टर्नओवर की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है और एक्चुअली में उनका जेन्युइन प्रोडक्ट है जिसमें टोबैको नहीं डला होता, लेकिन इसके बावजूद भी सेम ब्रांड नेम का इस्तेमाल करना, सेम टैगलाइंस का इस्तेमाल करना और रिकॉल वैल्यू क्रिएट करना पान मसाला की, क्या ये सरोगेट एड अनफेयर नहीं हुई, अनएथिकल नहीं हुई? मेरी राय में इसका सॉल्यूशन सिंपल है। सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि कोई भी कंपनी अगर एक ब्रांड नेम के अंदर अपने अल्कोहल या टोबैको के प्रोडक्ट्स बेच रही है, तो उस सेम ब्रांड नेम का या ब्रांड टैगलाइन का दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर विमल को अपना पान मसाला बेचना है तो वो विमल इलायची से अपने इलायची के प्रोडक्ट को नाम नहीं दे सकता या मिलता जुलता नाम नहीं दे सकता। अगर एक किंगफिशर बियर एग्जिस्ट करती है तो किंगफिशर सोडा एग्जिस्ट नहीं कर सकती। दोनों के ब्रांड नेम अलग करने पड़ेंगे, सोडा का नाम किंगफिशर से हटाकर कुछ और करो फिर। और ये बड़ा सिंपल सोल्यूशन है, इस चीज पर बैन लगना चाहिए कि सेम ब्रांड नेम्स ना हो, मिलते जुलते ब्रांड नेम्स ना हो।
और ये करने के लिए बस एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की जरूरत है। सरकार अगर करना चाहे तो आज के दिन ऐसा लॉ ला सकती है, लेकिन पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार पर भी नहीं डाली जा सकती। अगर हम पॉलिटिक्स और कानून को साइड में रखें तो यहां पर सेलिब्रिटीज की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऐसी चीजों की एड ना करें। गोवा के एक ऑन्कोलॉजिस्ट शेखर, जो कि प्रेसिडेंट है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर टोबैको इरेडिकेशन के, उन्होंने सितंबर के महीने में एक ओपन लेटर लिखा था अमिताभ बच्चन को कि वो ऐसी एड्स करना बंद कर दें, इन एड्स को विड्रॉ कर लें। 9 अक्टूबर को मैंने भी एक ट्वीट किया था अमिताभ बच्चन को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करते हुए, रणवीर सिंह को पॉइंट आउट करते हुए, और बहुत से लोगों ने अपनी आवाज उठाई थी इसके अगेंस्ट जब भी सेलिब्रिटीज ऐसी ऐड करते हैं। सिंपल सी बात है, इतने अमीर लोग हैं, ये करोड़ों में पैसा कमाने लग रहे हैं, फिर क्या ऐसी डेस्परेशन आ गई कि इतनी घटिया एड्स करने लग जाओ? क्या फायदा रहा एक इन्फ्लुएंसर बनने का या सेलिब्रिटी बनने का कि ऐसी चीजें, कैंसर लोगों को बेचो आप? जब बहुत से लोगों ने आवाज उठाई इस चीज को लेकर, तो 2 दिन बाद न्यूज आने लगी कि अमिताभ बच्चन इस पान मसाला की एड कैंपेन से पीछे हट गए हैं और इन्होंने पैसे वापस लौटा दिए। अब ये देखने वाली बात है कि एक्चुअली में कितना सच है, क्योंकि आज के दिन भी टीवी पर वही अमिताभ बच्चन की एड अभी भी देखने को मिलती है। इसके अलावा इन सेलिब्रिटीज की एक लंबी लिस्ट है जो लिटरली कैंसर बेचने लग रहे हैं देश की जनता को। रणवीर सिंह, शाहरुख खान, अजय देवगन और कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने पास्ट में माउथ फ्रेशनर्स की एड्स करी है, सरोगेट एड्स थी पान मसाला की, या फिर इलायची की एड्स करी है। सलमान खान, ऋतिक रोशन, मनोज वाजपेयी, टाइगर श्रॉफ, सैफ अली खान, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, सनी लियोनी, गोविंदा, महेश बाबू, रवि किशन, अरबाज खान, संजय दत्त और अक्षय कुमार। हालांकि उन सेलिब्रिटीज को भी क्रेडिट देना चाहिए जो पहले ऐसी एड्स करते थे लेकिन बाद में रियलाइज किया ये गलत कर रहे हैं और फिर ऐसी एड्स करनी बंद कर दी। जैसे कि 2016 में दिल्ली सरकार की हेल्थ डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर ने अपील करी थी ओपनली सारे सेलिब्रिटीज से कि वो ऐसी एड्स करना बंद कर दें। इस अपील के बाद सनी लियोनी ने प्रॉमिस किया कि वो कोई भी ऐसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगी ऐसे प्रोडक्ट्स को लेकर। लेकिन बहुत से ऐसे बेशर्म एक्टर्स हैं जो कि आज के दिन तक ओपनली ऐसी एड्स करने लग रहे हैं। अजय देवगन की एक क्लासिक एड जो इतनी बारी देखने को मिलती है, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार। एक और बैग पाइपर की एड जो शाहरुख खान को फीचर करती थी। विमल की एड जो आज के दिन तक हमें देखने को मिलती है जिसमें शाहरुख खान और अजय देवगन है। पर्सनली कहूं तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं है किसी भी सेलिब्रिटी के खिलाफ। बहुत से ऐसे सेलिब्रिटी के भी मैंने नाम लिए हैं जिनको मैं खुद देखना पसंद करता हूं, उनके काम को पसंद करता हूं। शाहरुख खान हो गए, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, इन सारे एक्टर्स को फिल्मों में देखना मुझे बहुत पसंद है। सोनू सूद बहुत चैरिटेबल काम करते हैं, वो पसंद है। मनोज वाजपेयी वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स हैं यहां पर। लेकिन जो गलत हो रहा है यहां पर उसे पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश की जनता पर, सोसाइटी पर एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है इन चीजों का, इसलिए इस चीज को पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी है। और अगर आप भी अपने किसी फेवरेट सेलिब्रिटी को ऐसी ही घटिया सरोगेट एड्स करते हुए देखते हैं तो आप भी इसके खिलाफ आवाज उठाइए। कोई अंधभक्त मत बन जाइए अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के, उनके सोशल मीडिया पर उन तक ये मैसेज पहुंचाइए, पोलाइटली उन्हें समझाइए। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के बाद देश में कुछ अच्छे के लिए बदलाव आएगा इन चीजों को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।